सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अभी बहुत सारे लोग लिंक को क्रिएट करने पर लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग लिंक को क्रिएट कर भी चुके हैं और कुछ लोग तो हमारे ऐसे प्राउड फाउंडर हैं, बहुत ही ज्यादा एक कदम आगे रहते हैं, तो उन्होंने कुछ वेबिनार भी कर ली है। तो सभी के लिए बहुत बहुत जो है ज्यादा बधाई, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। लेकिन जब हम लिंक को क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें पता ही नहीं होता है कि इस वाले कॉलम में हमें क्या फिल करना है। तो ऐसे बहुत सारे उसमें चीजें हैं जो आज मैं आपको बिल्कुल नई है। ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने बता चुका हूं पिछले वीडियो के अंदर उसमें से कुछ होगा, नहीं, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सब लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आपको पहले पॉइंट आउट बता देता हूं कि उसमें मैं आज की वीडियो के अंदर क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम लिंक को क्रिएट कर रहे होते हैं, वेबिनार लिंक को क्रिएट कर रहे होते हैं, तब आपको कुछ चीजें पता नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड नेम साइज, जी हाँ, टेक्स्ट फील्ड नेम साइज, उसके बाद रेड स्टार, उसके बाद कॉन्टेक्ट एंड ग्रुप्स सर्च बार, उसके बाद एक स्पेशल आइकन है उसके अंदर, और उसके बाद एग्जिट यूआरएल। एग्जिट यूआरएल आपने देखा होगा टेम्पलेट्स के बराबर में ही हमारा एग्जिट यूआरएल है। क्या आपने सोचा कि उसका यूज क्या है, उसका यूज कहां पे होगा? अभी मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि हम उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसका यूज क्या है, बिकॉज उस समय मुझे भी पता नहीं था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका यूज क्या है। तो जो पॉइंट मैंने आपको अभी रैंडमली बता दिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सही तरीके से, क्योंकि हर एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम अपने वेबिनार लिंक को क्रिएट कर रहे हों। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसके लिए। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, ओ कनेक्ट वेबिनार लिंक क्रिएट करते समय कुछ ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, इसको कहते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहली चीज, जिस टेक्स्ट फील्ड का नाम पर लाल रंग का एक ऊपर स्टार बना होता है, जी हाँ, आपने देखा होगा जब भी आप वो टेक्स्ट फील्ड फिल कर रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे वेबिनार पे क्लिक किया, क्रिएट वेबिनार पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहां गौर से देखेंगे जब आप इवेंट नेम और योर एजेंडा ये जो लिखा होता है इसके ऊपर एक हल्का सा रेड कलर का स्टार बना है। जी हाँ, रेड कलर का एक स्टार बना है, और इस रेड कलर का स्टार का मतलब क्या है आपको पता है? लेकिन यूआरएल, एग्जिट यूआरएल के ऊपर रेड कलर का स्टार नहीं बना है, और सेव्ड टेम्पलेट वाले कॉलम में जो सेव्ड टेम्पलेट लिखा है वहां पर रेड स्टार नहीं बना है। तो आपको पता है कि इसका, इस रेड स्टार का मतलब क्या है? पता है आपके लिए? नहीं पता। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए नहीं है उनको नहीं पता है। इसका मतलब होता है मैंडेटरी, इसका मतलब होता है मैंडेटरी, यानी कि जिस कॉलम के ऊपर या जिस नाम के टेक्स्ट फील्ड के ऊपर आपका ये रेड कलर का स्टार बना हुआ है उसका मतलब है मैंडेटरी, यानी कि अति आवश्यक। अति आवश्यक का मतलब ये जरूरी है, इसके बिना आपका वो फॉर्म कंप्लीट रहेगा, इसके बिना आपका कोई भी काम इसके अंदर अधूरा रहेगा, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसमें से कोई भी कॉलम छोड़ देते हैं तो आपका वो काम कंप्लीट नहीं होगा। एग्जिट यूआरएल पे कोई भी रेड कलर का साइन नहीं बना है, इसका मतलब ये है ये ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। अगर आप इसको खाली भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम पूरा हो जाएगा। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आने वाले वक्त के अंदर अगर इस तरीके से अगर हमें कोई भी कॉलम फिल करने के लिए मिलता है जिसपे रेड कलर का स्टार बना हो सकता है, ये ब्लैक कलर में भी हो सकता है, कलर कोई भी हो लेकिन स्टार बना होना चाहिए, तो वो मैंडेटरी ऑप्शन होता है। नंबर टू, इवेंट नेम शुड बी मिनिमम। जो हमारा इवेंट नेम है आपको पता है कि उसमें मिनिमम कितने कैरेक्टर आप फिल कर सकते हैं? नहीं पता। यानी कि कितना बड़ा आप उसमें नाम टाइप कर सकते हैं? नहीं पता। मैं आज आपको बता रहा हूं 2 से 50, यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, यानी कि 2 से लेकर के 50 करेक्टर, यानी कि लेटर्स, अक्षर की बात हो रही है, जैसे ए बी सी डी ये अक्षर होते हैं हमारे, ये लेटर होते हैं, इसको हम करेक्टर बोलते हैं अपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में, लेटर को हम करेक्टर्स बोलते हैं। तो यहां पे 2 to 50 यानी कि 2 से 50 लेटर्स का, करेक्टर्स का आप कोई भी यहां पे इवेंट टाइप कर सकते हैं, 50 अक्षर से ज्यादा नहीं होने चाहिए उसमें। शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, शब्द नहीं, अक्षर बोल रहा हूं मैं, अक्षर। जैसे कि किसी का नाम है सीता, तो SITA सीता, सीता मतलब एक शब्द हो गया, और SITA सीता मतलब
चार इसके अंदर करेक्टर हो गए, ओके इस तरीके से आप समझो। तो यहाँ पे 50 करेक्टर का हमारा होना चाहिए, इससे ज्यादा हमारा इवेंट नेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है इसी पेज पर हमारा एक कॉन्टेक्ट और ग्रुप का भी ऑप्शन है। जी हाँ, एक कॉन्टेक्ट और ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके बहुत सारे जो लोग आपकी टीम के अंदर हैं वो लोग आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, और इवन आपके जो नए लोग भी यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अगर आप किसी को रेफरल लिंक एफिलिएट लिंक शेयर कर रहे हो और वो यूजर की लिस्ट में आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आपके शेयर हो जाते हैं। जब वो शेयर हो जाते हैं जब वहां पे लिस्ट में शो हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है, नेम, ईमेल आईडी, कंट्री एंड एक्शन। एक्शन के नीचे आप देखेंगे तीन डॉट बनी हुई है, 1 2 3, ओके 1 2 3, इस तरीके से तीन डॉट बनी हुई है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटर या फिर अटेंडीज बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें कोई एक मैं नाम ले लेता हूं, मैंने इस पर टिक किया, जो बॉक्स लगा उस पर टिक किया, और टिक करने के बाद में जो तीन डॉट बने हुए हैं उस पर मैंने क्लिक किया तो आपको वहां पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, प्रेजेंटर एंड अटेंडीज। इसमें से आप जिस व्यक्ति को टिक कर रहे हो आप उसे प्रेजेंटर बनाना चाहते हो या अटेंडीज के रूप में रखना चाहते हो, ये आप यहीं से ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बराबर में एक ग्रुप का भी ऑप्शन है, तो इसमें आप अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल फोन में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप मिल जाएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं, पता नहीं मैंने तो बनाए नहीं है, लेकिन एक ब्रांड एम्बेसडर के नाम से बना हुआ है, माई एक्टिव ब्रांड एम्बेसडर के नाम से बना हुआ है। तो आप भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपके ग्रुप में कौन सा ग्रुप बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक सर्च बार का भी ऑप्शन मिल जाता है, सर्च कॉन्टेक्ट। अगर आपका कोई भी पार्टिकुलर बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, जी हाँ बहुत लंबी लिस्ट हो गई, आपके इस टीम के अंदर 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, अब आप एक एक करके किसको सर्च करोगे, तो यहाँ पे आप उसका नाम टाइप कर सकते हो। तो जैसे आप नाम टाइप करेंगे तो वहां पे वो लिस्ट जो है कम होती जाएगी और वो पार्टिकुलर पर्सन आपके सामने आ जाएगा अगर आपकी लिस्ट में होगा तो यहाँ पे इस तरीके से ये सर्च बार का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अटेंडीज एंड प्रेजेंटर बनाने के लिए। अब चलते हैं, एक और ऑप्शन रह गया इसमें, एग्जिट यूआरएल। एग्जिट यूआरएल का मतलब क्या है? एग्जिट का मतलब तो वैसे ये होता है कि बाहर निकल जाना, जैसे आपने रेलवे स्टेशन पर देखा होगा एग्जिट लिखा होता है, इसका मतलब बाहर निकलने का रास्ता इधर है। तो एग्जिट का सीधा सीधा मतलब तो समझ में आता है कि एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहाँ पे एग्जिट यूआरएल का मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जिट यूआरएल क्यों दिया गया है? तो इसका सीधा सा अर्थ ये है, एग्जिट यूआरएल विल फंक्शन आफ्टर द मीटिंग हैज कॉन्क्लूडेड टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट यूआरएल। इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जिट यूआरएल के अंदर जब ये आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है, कोई भी मीटिंग हो जो आप मीटिंग कर रहे हैं, जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है तो आप यहां पर अपने उस यूआरएल को जो है डाल सकते हैं। जी हाँ, अपने उस यूआरएल को आप डाल सकते हैं। इट मीन्स यू कह सकते हैं कि आपकी कोई मीटिंग पास्ट में खत्म हो चुकी है और आप यहाँ पे मीटिंग अगर एग्जिट यूआरएल में मीटिंग को डाल देते हैं तो इससे हो सकता है कि पुराना कोई भी व्यक्ति अगर नए वेबिनार में जुड़ता है तो वो हो सकता है कि यहाँ पे अपने इस लिंक पर क्लिक करके वो अपनी पुरानी वाली मीटिंग को भी देख सकता है। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारी मीटिंग खत्म करने के बाद ही इस लिंक का, जो हमारी मीटिंग की लिंक होगी उस लिंक का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एग्जिट यूआरएल के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, द एग्जिट यूआरएल विल फंक्शन, एग्जिट यूआरएल फंक्शन करता है आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग करने के बाद हैज कॉन्क्लूडेड टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट यूआरएल, यानी कि जो उसका कॉन्क्लूजन जो होता है, जी हाँ उसका जो कॉन्क्लूजन जो होता है उस कॉन्क्लूजन को जो है इस यूआरएल के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो कॉन्क्लूजन आप समझ गए होंगे, पूरी की पूरी जो फिल्म है, पूरी की कहानी है, उसकी थोड़ी बहुत समरी। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी लगे होंगे और हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी ना हो पहले से, और अभी बहुत सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है ओकनेट के अंदर। अगर हम पॉइंट टू पॉइंट जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। जैसे मैं इस ओकनेट को जिस तरीके से सर्च कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं इसको रीड कर रहा हूँ, तो आई थिंक आप भी उस तरीके से रीड कर रहे होंगे। और जो मेरे समझ में आता है कुछ नया इस ओकनेट के अंदर जो शायद अभी लोग यूज नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको हर
वीडियो के अंदर में लेकर के आता रहूंगा। अगर आपको पार्टिकुलर कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल के अंदर नहीं मिल पाती है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, वहां पे आपको अलग अलग कैटेगरी की वीडियो अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहां पे आपको फिल्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओ कनेक्ट में क्या करना है, न्यू जो हमारा ओईएस आया है उससे संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो आपको वहां मिल जाएगी। तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहां जाकर के आपको सारी वीडियो सिस्टमैटिक वे में जो है वहां पे सेट हो रही है जैसे जैसे आ रही है। आई होप आज की जो वीडियो थी उसमें जो मैंने आपको जानकारी दी आपको बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसमें क्या आपको ये जानकारी पहले थी या नहीं थी, क्या आपको पता था इन सारे पॉइंट्स के बारे में, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर कोई आपका जेन्युइन सवाल हो तो आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, बिकॉज रात की वीडियो आपके कमेंट के आधार पे ही होती है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए जाते हैं। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई जानकारी के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, ओ कनेक्ट को एंजॉय भी करते रहें और प्लस सीखते भी रहें कि इसमें क्या क्या आया हुआ है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सो इन इट टू विन इट।